नमस्कार, जय गोरखा। गोरखाली सुरा सभा को सौजन्य अनि गुरा संस्कृति कला केन्द्र को प्रस्तुति हाम्रो नारीहरुको प्रसिद्ध चाड तिजको शुभ उपलक्ष्यमा यो हाम्रो तिज नृत्य प्रस्तुत छ। अवश्य आनन्द उठाउनु होला। जय गोरख। गोर्खाली सुधार सभाको सौजन्यमा गुरा सांस्कृतिक कला केन्द्रको प्रस्तुति यो हाम्रो महान पर्व तिजको उपलक्ष्यमा यो नृत्य। तिज हाम्रो समुदाय हाम्रो समाजको नारीहरूको निम्ति एउटा ठुलो चाड हो, महान चाड हो अनि धेरै प्रसिद्ध चाड हो। यो चाड किन राखिन्छ भनिरहनु पर्दैन। यद्यपि आफ्नो स्वामी आफ्नो पतिको आफ्नो जीवनसाथीको सुस्वस्थताको निम्ति सफलताको निम्ति र दीर्घायुको निम्ति यो व्रत राख्दछन्। एक घुट पानी पनि नपिएर यसको बारेमा म बेसी बताउन चाहन्न। यसको निम्ति पुरा जानकारी लिएर आउनुहुनेछ गुराँस सांस्कृतिक कला केन्द्रको सांस्कृतिक सचिव श्रीमती प्रभा शाह।
हरितालिका तीज संपूर्ण विश्व एवं भारतवर्ष में निवास करने वाले हिंदू समाज में मनाया जाने वाला महिलाओं का एक पवित्र धार्मिक सौभाग्यशाली पर्व है। अपने पति तथा परिवार के सौभाग्य एवं कल्याण के साथ साथ सुख शांति एवं हिंदू नारियों द्वारा मांगलिक अनुष्ठान के रूप में मनाया जाने वाला यह पर्व है। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु गोरखा समाज की महिलाएं अपने पति की दीर्घायु एवं जन्म जन्मांतर प्रेम हेतु पूर्ण निर्जला व्रत रखकर इस पर्व को मनाती हैं। हरितालिका तीज गोरखा समाज की महिलाओं के लिए महान धार्मिक अनुष्ठान एवं लोकप्रिय पर्व है। तीज गोरखा महिलाओं के लिए महान पर्व और अति लोकप्रिय उत्सव है। लोक संगीत और नृत्य तीज पर्व की आत्मा है। यही इसकी पारंपरिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी दर्शाती है। तीज के दिन महिलाएं लाल वस्त्र पहनकर घर आंगन में सामूहिक रूप में लोक गीत गाकर नृत्य करती हैं और पवित्र भावनाओं से 24 घंटे का कठोर निर्जला व्रत रखते हुए पूजा अर्चना के लिए उन्हें मंदिर में जाते हुए देखना एक सुखद एवं मनमोहक दृश्य होता है। इस दिन महिलाएं बेहद खुशी के साथ लाल परिधान में गहने आभूषण पहनती हैं, जिनमें पोते, छड़ की तिलहरी, पारंपरिक गहने पहनकर नाच गाते हुए शिव मंदिर की ओर जाती हैं। वहां शिव के पार्थिव शिवलिंग पर फूल पाती एवं जल अर्पित कर प्रसाद ग्रहण कर प्रसाद चढ़ाते हुए अपने पति की दीर्घ आयु एवं परिवार के सुख समृद्धि एवं खुशहाली कल्याण के लिए वर भी मांगती हैं। पूजा अर्चना के क्रम में महत्वपूर्ण सायंकाल मिट्टी के दिए में तेल डालकर 108 सूते बत्ती जलाकर किया जाता है, जो रात्रि भर अखंड रूप में जलती रहती है। विवाहित महिलाओं को ये दिया उनकी सासू माँ के द्वारा दिए जाने का भी चलन है। तीज पारंपरिक रूप से देवी पार्वती और भगवान शिव को के पवित्र बंधन को याद करते हुए उनके पूजन अर्चना हेतु समर्पित एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है। इस व्रत को विवाहित सुहागिनों के साथ साथ अविवाहित लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं कि उन्हें भी शिव रूप में अपने पति मिले, शिव जैसा रूप लिए हुए, शिव जैसे गुण लिए हुए पति मिले। पौराणिक धार्मिक तथ्यों के अनुसार कहा जाता है कि सर्वप्रथम ये व्रत पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए रखा था और इस कठोर अनुष्ठान को उन्होंने अपने 24 घंटे के निर्जला व्रत और पारंपरिक अनुष्ठान करके उन्होंने शिव जी को पाया था और उसी समय से इस व्रत को रखने का चलन है। और इस व्रत को रखते हुए हम सभी महिलाओं को बहुत खुशी होती है और हम इस व्रत को अपने पति के लिए रखते हुए अपने जीवन की खुशहाली, सुख शांति और समृद्धि के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आप सभी को इस धार्मिक अनुष्ठान पर्व तीज की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। माया पीरती थे नो
Oh,